One, two, three, four. Doom tech, tech doom tech. Doom tech, tech doom tech. Okay, so hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So guys, कैसे हैं आप सभी? I hope कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे. So guys, मेरा नाम करण है. आज की इस नए वीडियो में guys, मैं आप सभी को सिखाऊंगा guys कुछ इस टाइप की रील जो कि आपने स्टार्टिंग में देखी होगी. तो गाइस इस टाइप की जो रील है इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है. तो गाइस इस वीडियो में मतलब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस तरीके की जो रील्स है आप अपनी वीडियो कैसे बना सकते हो. तो गाइस आप लोगों को बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस वीडियो को जो है ध्यान से देखना है, कंप्लीट वॉच करना है. भाई गाइस सारी गारंटी मैं लेता हूँ कि गाइस आप लोगों को एकदम इजी स्टेप में सिखाऊंगा कि आपको कैसे एडिट करना है. एंड गाइस अगर आपको इंस्टाग्राम में कोई भी रील या फोटोज कोई भी पसंद आती तो गाइस आप लोग मेरे को उसके कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन कर देना, मैं आप लोगों के लिए जो है इसका ट्यूटोरियल ला दूंगा. तो गाइस अभी तक अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना. और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो. बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं. तो गाइस सबसे पहले तो आप सभी को VN एप्लीकेशन को ओपन करना है. एंड उसके बाद आपको गाइस यहाँ प्लस पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है. एंड यहाँ से आपको ये वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है. ठीक है, ये वाला जो वीडियो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है. एंड सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको ये देखना है कि मतलब कि जो वीडियो जो यहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब यानी कि एंड यानी कि जो मतलब स्टार्टिंग का जो पार्ट है गाइस 1, 2, 3 एंड इसका जो लोडिंग, ये वहाँ तक आपको देखना है कि जहाँ तक जहाँ पे एंड हो रहा है, यानी कि आपको जहाँ से फोटोज आएंगे वहाँ तक आप सभी को इसको कट कर लेना है. ठीक है, तो मैं इसको फटाफट से कट कर लेता हूँ. सो गाइस मैंने इसको यहाँ पे कट कर लिया. आप गाइस देखिए यहाँ पे जो आगे का पार्ट है हमें इसे हमें यहाँ से डिलीट कर देंगे. एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे गाइस प्लस पे क्लिक करना है. एंड यहाँ से जो गाइस आप सभी को अपनी फोटोज़ को ऐड कर लेना फटाफट. तो मैं यहाँ पे फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ. सो गाइस यहाँ पे जो मैंने फोटोज़ को ऐड कर लिया है, अब गाइस यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ और करनी है. आपको यहाँ पे क्या करना है गाइस, आप लोग को जहाँ पे वापस से इस वाले म्यूज़िक है जो है या इसका मतलब वाली जो वीडियो है इसकी म्यूज़िक चाहिए आप सभी को, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो गाइस यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ. ठीक है, क्योंकि मैं गलत एरिया में आ गया हूँ. आपको क्या करना है, आपको सिंपली म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको वीडियो पर क्लिक करना है. ठीक है, आपको प्लस पर क्लिक करके आप यहाँ पे गाइस आपको जो यहाँ पे वीडियो एक्सटेंडेड पर जाकर आपको यहाँ पे सिंपली अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो आपने डाउनलोड किए. देन यहाँ पे आपका जो म्यूज़िक वो बन के तैयार हो जाएगा. एंड आपको यहाँ पे सिंपली इसको ऐड कर लेना है. फिर उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे वीडियो को चला के देखना गाइस कि मतलब आपका जो म्यूज़िक है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो जैसे गाइस यहाँ से मेरा म्यूज़िक स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो मैं इसकी लेयर है इसको यहाँ पे छोटा करूँगा. सो जहाँ पे मतलब कि बीट को आपको गाइस ध्यान रखना है कि आपको जो बीट है वो कहाँ कहाँ पे बीप कर रहा है. जहाँ पे बीप करा होगा आपको गाइस सिंपली वहाँ पे एंड कर देना. जैसे गाइस देखिए यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो गया, इस वाले को यहाँ पे बीप हो रहा है, तो मैं उसको यहाँ पे रख दूँगा. अब गाइस देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको म्यूज़िक तो सुना नहीं सकता हूँ ना यार, क्योंकि यार आपको पता है म्यूज़िक मैं सुनाऊंगा तो आपको पता ही है कि गाइस मेरे चैनल पर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी म्यूज़िक की वजह से, तो मैं गाइस म्यूज़िक नहीं सुना सकता. तो यहाँ पे गाइस मैं म्यूज़िक को ध्यान से सुनता रहूँगा एंड उसको ध्यान से देख के एंड यहाँ पे जहाँ जहाँ पे बीप हो रहा है वहाँ पे मैं फोटोज़ को यहाँ पे एंड करता रहूँगा. ठीक है, तो इस तरीके से अब गाइस यहाँ पे जो अभी मैंने इफेक्ट नहीं लगाया तो गाइस इसलिए थोड़ा भी क्रिएटिव नहीं लग रहा है. अभी इसमें जब हम म्यूज़िक वगैरह मतलब इफेक्ट वगैरह लगाएंगे तो गाइस एकदम मतलब कि अमेजिंग लगेगा. तो यहाँ पे इतना हो गया गाइस. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है गाइस मेरे को कुछ फोटोज़ और ऐड करनी पड़ेंगी, तो यहाँ से मैं सिंपली जल्दी से ऐड कर लेता हूँ. सो गाइस यहाँ पे मैंने इसको फोटोज़ को जो है मेरे को ऐड कर लिया यहाँ पे. अब क्या करेंगे गाइस, इसको हम यहाँ पे एक आधी फोटोज़ और ले लेते हैं यहाँ से. ठीक है, तो ये वाली ले लेते हैं हम. सो इसको यहाँ पे हम ब्लू वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर लेंगे. अब गाइस देखिए यहाँ पे जो मेरा साउंड जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इसका बीप यहाँ पे ख़त्म हो रहा है एंड इसका जो है यहाँ पे. ठीक है, तो इतना. अब गाइस देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा चला के देखता हूँ पहले. एंड यहाँ पे गाइस काफ़ी मतलब एकदम यहाँ तक तो मैच हो चुका है मेरा. ठीक है, तो यहाँ तक मतलब इतना परफेक्ट है. अब गाइस देखिए यहाँ पे अब कुछ फोटोज़ मेरे को और ऐड करनी पड़ेंगी. तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ मैं मतलब फोटोज़ ना ऐड करूँ, बट इसमें मैं सीधा इफेक्ट लगाता हूँ. ठीक है, एंड आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाकर आपको जो सबसे लास्ट में जो ये वाला जो दिख रहा है गाइस, ये वाला इफेक्ट आपको ये वाला लेना है. एंड आपको सब में ना यही वाला इफेक्ट अप्लाई करना है सारी फोटोज़ में. ठीक है, तो इसको मैं फटाफट करता हूँ. सो यहाँ से जो हमारा सारे इफेक्ट वगैरह लग चुके हैं एंड गाइस हमारी वीडियो जो एकदम ऑसम तरीके से एडिट हो चुकी है. तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी. तो अब क्या करेंगे गाइस, इसको हम यहाँ पे मतलब कि हमारे जो थोड़ा सा जो लीक है यहाँ से थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी हमें. ठीक है, तो इस लेयर को हमें थोड़ी सी लंबी कर लेते हैं.
ये मतलब ज़्यादा हो गई है तो इसको मैं इतना रख लेता हूँ। अब गाइस देखें यहाँ पे इतना हमारा काम हो चुका है, ठीक है। तो हमने आज वहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से हमें अपने यहाँ पे वीडियो को एडिट कर लिया है। अब गाइस इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।